आपने बलि महाराज के बारे में तो सुना ही होगा, जिनको चिरंजीवी प्राप्त है और भगवान विष्णु के कहने पर पाताल लोक चले गए थे। बलि महाराज जिस जगह पर राज यानी शासन किया करते थे, उस भूमि को उन्होंने एक यज्ञ के दौरान भगवान वामन को दान कर दिया था। लेकिन लोगों का मानना है कि बलि महाराज अभी भी अपने दान की वे भूमि का रक्षा करते हैं और कोई भी उनके राज्य में घुसपैठ करता है तो उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके पीछे की क्या सच्चाई है, चले जानते हैं। देखिए, ये जो जमीन है, ये जो धरती है, ये बलि महाराज की धरती है। इस पे वो राज करते थे, शासन करते थे, उनका शासन था। इन्हीं धरती पर बलि महाराज का ऐसा प्रकोप माना जाता है कि अभी तक वो रात को आते हैं और बचाते हैं। इस पर जब 52 अवतार में विष्णु जी आए थे उनके दरबार में, उनको चेक करने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि वह कितने बड़े दानवीर हैं, तो ऐसा माना जाता है कि वह पूरब की दिशा से आया था और पश्चिम की दिशा की ओर गया था। और इसके साथ उसमें यह भी देखा गया था कि यहाँ जो आपको तालाब दिखती होगी, या तालाब के साथ इसमें सात कुआं माना जाता है कि कुआं है, और इस कुआं में उसने सोना चांदी और बहुत जेवरात रखता था। इनमें वो जो रखता था उनसे जो भी उनके दरबार में, बलि महाराज के दरबार में आते थे, जो भिखारी आते थे, उनको वो दान करता था। उसी तरह से बामन भी आए थे, और जिस समय बामन आए थे उस समय बलि महाराज के घर में यज्ञ चल रहा था, तो उसने दो बार भिक्षा बोला कि मुझे भिक्षा दो, तो बलि महाराज यज्ञ से उठ कर गए उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए। और जैसे उन्होंने उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हो, आपकी इच्छा मैं कैसे पूरा करूँ, तो उसने बोला कि मुझे 3 पग जमीन चाहिए, अगर आप दे सको तो दे दो। तो 3 पग जमीन देने के लिए उसने तैयार हो गया, राजी हो गए कि बाद में आप मना तो नहीं करोगे कि अभी मैं हूँ, अब बाद में बोलोगे कि नहीं दे पाऊँगा मैं, तो उसने हाँ भर दी। और हाँ जैसे भरी तब ने उसने अपना रूप दिखाया और वह एक विष्णु भगवान थे, और उसने यह पूरी ज़मीन ले लिया। और ऐसा माना जाता है कि इस ज़मीन पर से अभी तक जो भी आदमी कुछ छोटा सा टुकड़ा ले गया घर बनाने के लिए, या ईंटें मिट्टी कुछ भी चीज़, तो उनके घर में अपबीती हो जाती, उनके घर में कोई सदस्य बीमार पड़ जाते या मर जाते हैं, ऐसी मान्यता यहाँ की है। वह कहा जाता है कि अगर ऐसा माना जाता है, और हमारे पूर्वजों द्वारा मिला है यह साक्ष्य प्रमाण कि कुछ आदमी यहाँ से कुछ वर्ष पहले ले गया था ईटा, जो कि आज उनके घर में कुछ न कुछ ऐसी घटना घटी जिनके जो कि इनका एक बहुत बड़ा प्रमाण मिलता है।